नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ABC क्लासेस। ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट 2016 एंड 2019 दोनों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्क प्रोफाइल जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक आप बनने वाले हैं और कनिष्ठ सहायक का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, आपको किस तरह का काम करना होगा, एंड जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपका अगस्त महीना चल रहा है एंड 12 तारीख हो गया है एंड 20 तक बहुत ही तेजी से रिजल्ट के ऊपर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है एंड 20 तक आपका 20 तक आपका रिजल्ट भी आ जाने की सूचना है, ठीक है। तो 20 तक आपका डीवी का मतलब जो जिनका भी रिजल्ट आएगा वो डीवी के लिए कॉल किए जाएंगे एंड फाइनल रिजल्ट आपका जो फाइनल मेरिट है वो आपका अगस्त सितंबर मंथ में फाइनल मेरिट आ जाएगी एंड डीवी का जो आपका लिस्ट है वो आपका अगस्त में 20 तारीख तक आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है एंड बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है 90% आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट बहुत तेजी से चल रहा है, आप बिल्कुल उम्मीद बनाए रखें, जिनके अच्छे नंबर हैं बिल्कुल हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो आपको किस तरह का वर्क करना होता है जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, एक्चुअली पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट, अब बात करते हैं आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, ठीक है ना, 29-30 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, टोटल 30 डिपार्टमेंट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से प्रोसेस से निकलना पड़ा है, आपको टाइपिंग देकर, टाइपिंग आपका मेन है यहाँ पे, 25 वर्ड जो आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में जो लिया गया है एंड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है ना। बट अपने यहाँ यूपी में इंग्लिश का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पत्र बनते हैं यूपी में वो अपनी हिंदी भाषा में बनता है, ठीक है, हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अब आप मान लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग में है, पीडब्ल्यूडी विभाग में, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, या फिर कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, आरटीओ ले लीजिए, कोई भी, ठीक है ना। तो अभी आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो हमारी और आएगी आपका, जो इस वो वीडियो क्या होगा, वो वीडियो ये होगा कि जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, ठीक है, तो ये वीडियो जो होगा आपको पढ़ाई के अनुसार, ठीक है, पढ़ाई के अनुसार कौन से डिपार्टमेंट आपको फिल करने हैं पोस्ट प्रेफरेंस, और मतलब बॉयज़ भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो, और अगर पढ़ाई नहीं करनी है आपको, पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको कौन से डिपार्टमेंट फिल करने चाहिए, ठीक है। इस पर एक वीडियो जल्दी आने वाली है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अदरवाइज हो सकता है ये वीडियो मिस हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं आप किसी एक डिपार्टमेंट में हैं, अब आप कनिष्ठ सहायक हैं, तो कनिष्ठ सहायक का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपके ऊपर आपका एक सेक्शन होगा, ठीक है, आपके सेक्शन में एक अधिकारी होंगे, ठीक है, अधिकारी। अब ये अधिकारी आपको डायरेक्शन देंगे या फिर इनकी बातों को आपको जो कहेंगे वो करना है, लेकिन आपका पर्सनली क्या काम होगा, आपका काम होगा पत्र बनाना। देखिए ये सारे काम में कुछ भी काम आपको करना पड़ सकता है, पत्र बनाना इन द सेंस कंप्यूटर पे, आपको एमएस ऑफिस चलाना सीख लीजिएगा अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो, एमएस ऑफिस पे आपको हिंदी में टाइप करना होगा। एंड एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आपने मंगल पे टाइपिंग देके पास किया हुआ है, ठीक है, तो अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे, तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में कृति देव पे काम चलता हो, ठीक है। जैसे कि हमने मंगल ही सीखा था, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कृति देव चलता है, तो कृति देव भी मुझे सीखना पड़ा, मंगल भूल गया, ठीक है, तो वो चीज़ बात की बात है, लेकिन हो सकता है आपको भी सीखना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, आपको पत्र बनाना पड़ सकता है, इसके बाद आपको डायरी डिस्पैच। अब डायरी डिस्पैच क्या होता है, आपने जो पत्र बनाया हुआ है उसका एक पत्रांक संख्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ऑफिशियल जब आप आएंगे तो पत्रांक संख्या डाला जाता है। जब कोई भी सरकारी पत्र आपका बिना पत्रांक संख्या के नहीं होता है, तो जब पत्र बन जाता है उसको डायरी पे चढ़ाना होता है। जब आप डायरी पे चढ़ाओगे तो एक नंबर वहां से मिलता है 791, ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालोगे और यहाँ पे सन लिखेंगे 221 और बटे ऐसे ऑब्लिक 791, फिर यहाँ पे दिनांक, ठीक है, तो ये आपका पत्रांक संख्या, मतलब ये डायरी डिस्पैच होता है, दिनांक डाल दिया आपने 12/8, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे वहाँ पे।
उसके बाद मेन चीज आपका, यही दोनों है, ठीक है, ये आपके मेन काम है, पत्र बनाना और डायरी डिस्पैच, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आपको जिला अलॉट हो सकता है, ठीक है। अब जिला अलॉटमेंट होगा, मान लेते हैं किसी मंडल में, मान लेते हैं आपको गोरखपुर मंडल से, है ना, या तो पूरा गोरखपुर मंडल ही दे दिया गया है, या फिर गोरखपुर मंडल से आपको दो डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, जैसे आपका महाराजगंज है ना, और महाराजगंज, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया आसपास, देवरिया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं आपको दो मंडल दे दिया गया है, तो अब ये दो मंडल से संबंधित जितने भी कागज पत्र आएंगे, ठीक है, उनका उस पर जवाब बनाना, लेटर बनाना और उनको चढ़ाना, डिस्पैच करना, भेजना, रिसीविंग करना आप। हाँ, एक चीज़ और है, ये दो काम तो हो गया, पत्र बनाना और डिस्पैच, डायरी डिस्पैच हो गया। एंड एक होता है जो आपके पत्र आते हैं, उनको रिसीव करना, ठीक है। तो रिसीव करना होता है, रिसीव करने पे आपको अपना साइन करना होगा, ठीक है। साइन करने के साथ साथ अपना मतलब डेट डालना होगा कि कौन सी डेट में आपने रिसीव किया हुआ है, ठीक है। फिर एक डायरी होता है, एक ऐसे बड़ा सा डायरी होता है, ठीक है ना। फिर इस पत्र को जो आपने रिसीव किया हुआ है उसको उस पे चढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि कौन सा पत्र कहाँ से आया है, ये सब रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। तो मेन चीज, छोटी सी चीज में अगर मैं बता दूं, तो आपको पत्र बनाना पड़ सकता है, ठीक है, और डायरी डिस्पैच करना पड़ सकता है, और आपको पत्र रिसीव करना होगा। तो मतलब छोटी छोटी चीजें, मैनेजमेंट, आपको चीजों को मैनेज करके चलना होगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि बस अब आप काम से दब जाएंगे, ठीक है। आपके जो सहयोगी होंगे, जैसे कि आप कनिष्ठ सहायक के पद पे जा रहे हैं, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, तो वहां पे एक वरिष्ठ सहायक भी ऑलरेडी होंगे, ठीक है, वरिष्ठ सहायक होंगे, वो आपको काम सिखाएंगे। स्टेनो होते हैं, स्टेनो बाबू होते हैं, ठीक है, वो भी आपको काम सिखाएंगे। जो आपको नहीं आएगा वो सब सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास अधिकारी हैं, जो भी लेटर बनाना है। अब आपको तो शुरू में नहीं समझ में आएगा कि लेटर में क्या बनाना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, तो अधिकारी भी गाइड करते हैं, ठीक है, कि इस पत्र में आपको ये लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख के ले जाएंगे, और अगर सब कुछ सही है तो अधिकारी उस पर अपना साइन करते हैं। फिर उसे साइन करने के बाद आप डायरी डिस्पैच करेंगे, फिर उसको शासन भेजना है। शासन मतलब समझ रहे हैं, सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन भेजना है या किसी जिला में भेजना है, ठीक है, तो आप उसको उस हिसाब से भेज देते हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। आप काम करेंगे, मतलब आप ये समझिए कि अभी तक आप पढ़ाई लिखाई करते आए हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अब उन्हीं सारी चीजों को लिखने का आपको सरकार एक वेतन देगी, सेवा करने का सरकार आपको वेतन देगी, ठीक है ना। तो और कोई अगर क्वेरी है आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और हाँ कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे अगर आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है, ठीक है, हेडक्वार्टर जितने भी लखनऊ में आपके हेडक्वार्टर हैं, तो सैटरडे एंड संडे, ठीक है, 2 डेज आपका ऑफ होता है, ठीक है, और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 8 डेज तो आपका ऑफ हो गया, ठीक है, 22 डेज आपको ऑफिस जाना होगा, ठीक है। जनरली आपके ऑफिस की टाइमिंग 10 से 6 होगी, ठीक है, 10 से 6, ओके। उसके बीच में आपका लंच टाइम होगा, ठीक है, लंच टाइम 30 मिनट का, ठीक है, वो 30 मिनट आप लंच वंच करिए, थोड़ा सा टहल लीजिए आप अपना, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपकी जितने भी गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, जितनी भी होती हैं, वो सभी भी आपको मिलती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका 8 8 तो आपका 1 महीने का हो गया, ठीक है, 12 महीने होते हैं, तो 12 8 96, तो 96 छुट्टियां तो आपकी केवल और केवल सैटरडे संडेज की हो गई, सैटरडे संडे की हो गई। उसके बाद कुछ नहीं तो आई थिंक 22 या 25, 20 अराउंड, ठीक है ना, 20 के अराउंड आपको, 20 या 25 के अराउंड आपको सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गया 6 और 9 2 11, ठीक है, अगर बीसी ले लें, ठीक है ना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको 14 CL मिलता है, 14 CL, ठीक है, 14 CL मतलब कैजुअल लीव, कैजुअल लीव। अब कैजुअल लीव मतलब आकस्मिक अवकाश, सडनली आपको अगर छुट्टी लेनी पड़ गई तो सीएल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ईएल, ईएल आपका अर्न लीव होता है, ठीक है, अर्न लीव, ठीक है। तो अर्न लीव आपको 30 मिलते हैं, ठीक है ना, साल में, साल में मिलता है, साल में कितना मिलता है, 30 मिलता है, ठीक है। तो ये 30 आपके ईएल हो गए, इसे भी आप ले सकते हैं ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे। इसको लेने के लिए मतलब ईएल लेने का मतलब ये है कि कोई मतलब कि आपको लंबी छुट्टी चाहिए तो उसका पूरा प्लान आपको एक फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, उसको भर के जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गई, फिर ऊपर से ये 14 आपकी सीएल हो गई, ठीक है। तो 6 4 10 का 0 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 150 छुट्टियां मैंने ऐसे ही गिना दी, ठीक है ना, 365 दिन साल के, 150 माइनस कर दीजिए 5 1 3 में से 1 2, 215 दिन में भी कुछ ना कुछ आपका छुट्टियां इधर उधर होता रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ाई करना है आगे PCS के लिए, UPSC के लिए, RO के लिए, ARO के लिए, तो कनिष्ठ सहायक बेस्ट डिपार्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटली मतलब आप अच्छे से रहोगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जैसे पुलिस की जॉब हो गई तो बहुत हार्ड जॉब है, वहाँ पे आपके टाइमिंग का कोई पता नहीं रहता है कि आपकी ड्यूटी कब लग जाएगी, ठीक है, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की हो गई, 8 से 10 घंटा 12 घंटा भी लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिक्स टाइमिंग है 8 बजे, उसके बाद आप अपने रूम पे गए, पढ़ाई लिखाई आप डेली रात में पढ़ सकते हैं, सैटरडे संडे मतलब सब कुछ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अभी कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो सिंपल मैंने बता दिया कि बस, ठीक है, ऐसा कुछ काम होता नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है, मुश्किल से 10-15 दिन में आप काम सीख जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका डिपार्टमेंट देखते हैं कौन सा मिलता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का समय शुभ हो।